भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। माता रानी का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आपका पूरा परिवार तथा आप स्वयं सदैव सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, उन्नति करें तथा प्रगति करें। प्रत्येक वर्ष में चार बार नवरात्रि आती है। पहली नवरात्रि जो होती है वो चैत्री नवरात्रि कहलाती है, जिसे प्रगट नवरात्रि के रूप में माना जाता है। उसके बाद जो नवरात्रि आती है वो आषाढ़ माह में नवरात्रि आती है, उसे गुप्त नवरात्र कहा जाता है। उसके बाद तीसरी जो प्रगट नवरात्रि होती है वो आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक जो 9 दिन के नवरात्र होते हैं उन्हें प्रगट नवरात्रि के रूप में माना जाता है। शारदीय नवरात्रि के रूप में भी इसे माना जाता है। इस दौरान भगवती जगदम्बा की विशेष आराधना की जाती है, पूजा की जाती है और निरंतर 9 दिनों तक माँ पराम्बा, भगवती जगत जननी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की त्रिगुणात्मक स्वरूप की आराधना तथा पूजा की जाती है। घर में कलश की स्थापना की जाती है, जवारे बोए जाते हैं। इसके अलावा अखंड ज्योति की स्थापना भी हमारे घर परिवार में की जाती है और सभी लोग बड़ी तन्मयता के साथ में भगवती की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, क्योंकि धर्म ग्रंथों में तथा देवी भागवत में लिखा हुआ है कि कलौ चंडी विनायको, यानी कलयुग में यदि साक्षात देवता के रूप में कोई है तो वो चंडी और विनायक, यानी भगवती जगदम्बा आज भी इस पृथ्वी पर जो है कलयुग में सबसे जल्दी फल देने वाली देवी है। तो यदि आप अपने जीवन की समस्याओं का निवारण करना चाहते हैं, अपनी समस्त इच्छाओं का पूर्ण करना चाहते हैं, तो आपको शारदीय नवरात्र में भगवती की विशेष आराधना करना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। शारदीय नवरात्रि का आरंभ इस बार 7 अक्टूबर 2021 गुरुवार के दिन से हो रहा है। वैसे तो 9 दिन के नवरात्र माने जाते हैं, लेकिन इस बार चतुर्थी तिथि का गड़बड़ होने के कारण जो है 8 दिन के नवरात्र ही होंगे। यानी नौमी तिथि जो कि 14 अक्टूबर 2021 गुरुवार के दिन रहेगी। 7 अक्टूबर के दिन घट स्थापना की जाएगी और घट स्थापना शुभ मुहूर्त में की जाती है। पहले दिन जब हम जवारे बोते हैं घट स्थापना की जाती है, तो वह कार्य हमको शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। शुभ मुहूर्त भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि नवरात्रि के दौरान आपको कुछ ऐसे काम हैं जिनको करने से बचना चाहिए, अन्यथा भगवती पराम्बा जगदम्बा क्रोधित भी हो सकती है, रुष्ट हो सकती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि माता रानी आपसे प्रसन्न रहे और उनका आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे, तो आपको नवरात्रि के दौरान कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए, जिसमें सबसे पहला काम है कि आपको नवरात्रि के दौरान यदि व्रत रखते हैं और नहीं भी रखते हैं तो भी आपको इस दौरान कटिंग नहीं करवाना है, दाढ़ी नहीं बनाना है और आपको इस दौरान शरीर के अंग के कोई भी बाल नहीं कटवाना चाहिए। दूसरा काम है, नवरात्रि के दौरान लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इस दौरान आपको जो है किसी भी प्रकार का अभक्ष भक्षण यानी गंदी वस्तुएं नहीं खाना पीना चाहिए। और नवरात्रि के दौरान घर के बड़े बुजुर्ग जैसे माता पिता, सास ससुर या अन्य वरिष्ठ जन होते हैं, उनका अपमान या अनादर नहीं करना चाहिए, उनके साथ प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। इसके अलावा चौथा कार्य है कि हम नवरात्रि में भगवती जगदम्बा की आराधना करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं। तो नवरात्रि में हमको माताओं, बहनों को, बच्चियों को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, उन्हें पीड़ित नहीं करना चाहिए, उनको सजा नहीं देना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि का जो पर्व होता है वो शक्ति की आराधना का पर्व होता है। और वैसे तो कहा गया है कि जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पर लक्ष्मी का वास होता है। तो यदि आप अपने घर में लक्ष्मी का वास चाहते हैं तो आप नवरात्रि के दौरान
माताओं बहनों को कष्ट बिल्कुल न पहुंचाएं, उनका सम्मान करें, उनका आदर करें। नवरात्रि के दौरान पेड़ पौधों को काटना या छांटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रत्येक पेड़ पौधों में जीव का वास माना जाता है। और इसी तरह नवरात्रि के दौरान आपको जो है, यदि आप कोई अनुष्ठान कर रहे हैं तो आपको एक समय भोजन करके व्रत करना चाहिए या दोनों समय फलाहार करके भी आप व्रत कर सकते हैं। साथ ही अनुष्ठान के दौरान ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और इस दौरान हमको लड़ाई झगड़ा वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, गाली गलौच नहीं करना चाहिए, अपशब्दों का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस मुख से, जिस जिह्वा से हम माता रानी के नामों का स्मरण करेंगे, उनको याद करेंगे, उस जिह्वा को हमको पवित्र रखना है और उस जिह्वा से कोई भी ऐसा अपशब्द न निकले जिससे माता रानी को कष्ट पहुंचे। साथ ही नवरात्रि के दौरान हम जो भी काम करें वो पूरी पवित्रता के साथ करें। सूर्योदय के पहले उठें, जल्दी स्नान करें, माता रानी का पूजन अर्चन करें। सुबह शाम दोनों समय उनकी अच्छी प्रकार पूरी निष्ठा के साथ में आरती करें, उनकी भक्ति करें। और जो माताएं बहनें मासिक धर्म की अवस्था में रहती है उनको व्रत तो करना चाहिए, लेकिन इस दौरान भगवान को छूना या स्पर्श बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पूजन पाठ वो अपनी ओर से यदि करवाना चाहती है तो किसी अन्य के माध्यम से करवा सकते हैं। इसी तरह यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लगा हो, ऐसी अवस्था में आप व्रत तो कर सकते हैं लेकिन पूजन अर्चन किसी और के माध्यम से आप करवाएंगे तो अति उत्तम रहेगा, क्योंकि सूतक के दौरान भगवान का स्पर्श तथा पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान रात्रिकालीन साधना का विशेष महत्व माना गया है। वैसे तो नवरात्रि में अहर निशम जब तब पूजा पाठ साधना आराधना कर सकते हैं, लेकिन रात्रि में साधना का विशेष महत्व माना जाता है और नवरात्रि के प्रत्येक दिन सिद्धिदायक होते हैं। इन दिनों में यदि आप कोई भी शुभ कार्य करेंगे तो आपके लिए वह बहुत ही उपलब्धि कारक रहेगा। जैसे आप नया पदभार ग्रहण कर सकते हैं और किसी भी नए काम की शुरुआत यदि आपको करनी है, नया व्यापार आप शुरू करना चाहते हैं, नए घर में आप प्रवेश भी कर सकते हैं, नया वाहन भी आप खरीद सकते हैं, या फिर भूमि भवन वाहन या ज्वेलरी से संबंधित कोई भी काम यदि आप नवरात्र के दौरान करेंगे तो अति शुभ फलदायी आपके लिए साबित होगा। इसके अलावा नवरात्रि के दौरान हमको किसी भी प्राणी मात्र को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, गौ माता को त्रास नहीं देना चाहिए तथा आपके घर पर यदि कोई मांगने वाला आता है, भिखारी आता है, जरूरतमंद आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, उसको कुछ न कुछ अपने सामर्थ्य या शक्ति के अनुसार दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि तक जो 9 दिनों तक कर्म किए जाते हैं उसका पुण्य फल होता है और यदि इस दौरान हम कोई भी गलत कर्म करेंगे, पाप कर्म करेंगे तो वह भी जो है हमारे लिए दुखदायी साबित होगा। इसलिए प्रयास करें कि 9 दिनों तक हम जो है शुद्ध कर्म करें, सात्विक कर्म करें, परोपकारी कार्य करें, कल्याणकारी कार्य करें और अच्छे कर्म करते हुए माता रानी की आराधना तथा उनकी सेवा और पूजा करते रहें। तो यदि आप 7 अक्टूबर 2021 गुरुवार के दिन शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करना चाहते हैं तो सबसे पहला जो मुहूर्त होगा वह होगा सुबह 7 अक्टूबर को 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक का पहला शुभ मुहूर्त रहेगा। इसमें आप कलश स्थापना, घट स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद अगला मुहूर्त जो प्रारंभ होगा वो 10:30 बजे से आरंभ होगा, जो कि निरंतर 3 बजे तक रहेगा। उसके बाद अगला जो मुहूर्त होगा वो शाम को 4:30 से लेकर के 6 बजे तक का रहेगा। उसके बाद रात्रि का यानी सूर्यास्त के बाद 6 बजे से भी एक मुहूर्त आरंभ हो रहा है जो कि निरंतर 9 बजे तक चलेगा। इन शुभ मुहूर्तों में आप भगवती जगदम्बा की स्थापना कर सकते हैं, कलश की स्थापना कर सकते हैं, जवारे की स्थापना कर सकते हैं, घट स्थापना कर सकते हैं।
तो यदि आप अपने घर में कलश स्थापना करते हैं, घट स्थापना करते हैं, तो आपको पहले से ही सभी सामग्री अपने घर में एकत्रित करके रख लेना चाहिए और नवरात्र के पहले ही आप अच्छी प्रकार से घर की साफ सफाई कर ले, लिपाई पुताई जो भी आप करना चाहते हैं वो भी कर ले वे। और यदि पूरे घर की सफाई नहीं कर सकते हैं तो पूजा कक्ष, पूजा घर की सफाई आप अनिवार्य रूप से कर लीजिएगा। और यदि सफाई भी नहीं कर पाते हैं तो आप गंगा जल छिड़क करके उस कक्ष को, उस स्थान को पवित्र कर लीजिएगा तथा पूजन सामग्री आप पहले से एकत्रित कर लीजिए। इसमें पूजन में मुख्य रूप से आपको एक लाल कपड़ा लगेगा जिसके ऊपर आपको नवग्रह, षोडश मातृका, गौरी गणेश और कलश की स्थापना करनी होगी। इसके अलावा एक जवारा बोने के लिए एक पात्र लगेगा, जो मिट्टी का पात्र बाजार में मिलता है उसमें आप मिट्टी डाल करके जो है जवारे बोएंगे। यदि आप चाहें तो पत्तल के ऊपर, एक चौकी के ऊपर पत्तल रख करके उसके ऊपर मिट्टी डालकर उसके ऊपर भी जवारे आप बो सकते हैं। एक मिट्टी का कलश आपको वहां पर स्थापित करना चाहिए। मिट्टी का कलश यदि नहीं हो तो तांबे का कलश भी आप स्थापित कर सकते हैं तथा एक नारियल कलश में रखने के लिए आपको चाहिए और एक नारियल भगवती को चढ़ाने के लिए आपको चाहिएगा। नवग्रह के लिए 9 सुपारी, जो खड़ी सुपारी होती है वो लगेगी। इसके अलावा षोडश मातृका भी आप यदि स्थापित करते हैं तो 16 सुपारी उनके लिए भी लगेगी और इसके साथ ही गौरी गणेश की यदि मूर्ति है तो उनको आप स्थापित कर दीजिएगा और नहीं है तो आप उनके सुपारी की भी गौरी गणेश बना करके उनकी स्थापना कर सकते हैं। चावल आपको लगभग आधा किलो लगेंगे, गेहूं आपको आधा किलो लगेंगे, 250 ग्राम जव आपको लेना चाहिए जो कि जवारे बोने के लिए आपको लगेंगे और इसमें अखंड ज्योति तेल की लगाना चाहिए, जैसे सरसों का तेल उपयोग कर सकते हैं, अन्य कोई भी शुद्ध और सात्विक तेल आपको इसमें लेना चाहिए तथा आप कलावा की बत्ती या रुई की बत्ती भी इसमें उपयोग कर सकते हैं। दीपक मिट्टी का, पीतल का, तांबे का या चांदी या अन्य कोई भी शुद्ध और पवित्र धातु का आप उपयोग कर सकते हैं। एक लोटा आपको पूजन के लिए अलग से जल चढ़ाने के लिए चाहिए होगा तथा जिस थाली में आप पूजन सामग्री रखते हैं उसमें आपको रोली यानी कुमकुम आपको रखना है, थोड़े से चावल रखना है, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, कपूर, कलावा, रक्षा सूत्र, मोली जिसे कहा जाता है, जनेऊ जोड़ा। जनेऊ जोड़ा आपको एक तो नवग्रह को चढ़ाना है, एक कलश को चढ़ाना है और एक गणेश जी को चढ़ाना है। इस प्रकार कम से कम 3 जनेऊ जोड़े आपको लगेंगे तथा पंचमेवा, ड्राई फ्रूट्स जो 5 प्रकार के सूखा मेवा होते हैं वो आपको लगेंगे और पंचामृत जो कि दूध, दही, शहद, शक्कर, घी से निर्मित होता है। और इसी तरह आपको अष्टगंध और चंदन की भी आवश्यकता लगेगी तथा इत्र की सीसी आपको एक लेना चाहिए और आपको माता रानी के लिए धूप बत्ती अच्छी प्रकार की सुगंधित लाना चाहिए और दीपक के लिए घी भी आपको लगाना है क्योंकि आरती का जो दीपक है वो घी का ही आप उपयोग करेंगे। और माता रानी के लिए ताजे पुष्प की माला या पुष्प या लाल पुष्प आप नित्य प्रति व्यवस्थित करके रख ले। पान का बीड़ा माता जी को चढ़ाया जाता है और इसी के साथ माता रानी को चुनरी अर्पित की जाती है। आप चाहें तो साड़ी भी अर्पण कर सकते हैं और सौभाग्य की वस्तुएं जैसे मंगलसूत्र, बिछिया, पायल या जो भी सौभाग्य की पुड़िया बाजार में मिलती है वो भी आप ला करके माता रानी को चढ़ा सकते हैं। मेहंदी की पुड़िया, सिंदूर भी माता रानी को आप अर्पित कर सकते हैं। इसी के साथ ये पूजन सामग्री आप अपनी आस्था परंपरा या जिस प्रकार आप करते आए हैं उसी प्रकार आपको करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें कि यदि आप संस्कृत में श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो शुद्ध रूप से आपको उच्चारित करना चाहिए, यानी दुर्गा सप्तशती में कभी भी अशुद्ध उच्चारण नहीं करना चाहिए। आप यदि चाहें तो हिंदी में पाठ कर लेवे, लेकिन संस्कृत के जितने भी उच्चारण होते हैं उनका उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध उच्चारण यदि नहीं होगा तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है, इसलिए शुद्ध दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं तो ही आप करें, अन्यथा किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला करके उनके माध्यम से पूजन अर्चन आप संपन्न करवाएं।
और इसी तरह आप नित्य प्रति पहले दिन शुभ मुहूर्त में स्थापना कर लेवे और सुबह शाम माँ भगवती की पूजा आराधना करें और नित्य प्रति उनको भोग लगाएं। वैसे तो भोग की अलग अलग सामग्री होती है, लेकिन आप चाहें तो प्रतिदिन माता रानी को हलवा या पंचमेवा फल मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। इसी तरह आप सुबह और शाम को दोनों समय पूजन अर्चन करें तथा आप अष्टमी अथवा नवमी के दिन सबसे पहले उनका नित्य प्रति की तरह पूजन अर्चन करें। पूजन अर्चन करने के बाद में हवन करें। हवन के लिए आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र से भी 108 आहुति दे सकते हैं या ओम दुम दुर्गाये नमः इस मंत्र से भी आप आहुति दे सकते हैं। हवन करने के पश्चात कन्या भोजन करवाएं। कम से कम 5 कन्या, 11 कन्या, 21 कन्या या जितनी भी आपके यहां उपलब्ध हो उतनी कन्याओं को भोजन करवाएं। आप चाहें तो 9 कन्याओं को भी आप भोजन करवा सकते हैं। 8 वर्ष से जो ऊपर की होती है वह कन्या सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। उनको बुला करके उनका पूजन करें और उनको भोजन कराएं। उनको उपहार स्वरूप कोई ऐसी वस्तु दे जो उनको पढ़ाई लिखाई में उपयोगी हो, जैसे कॉपी पेन पेंसिल इत्यादि वस्तुएं भी आप उनको उपहार स्वरूप प्रदान कर सकते हैं। और इसी तरह आप ब्राह्मण को बुला करके उनके माध्यम से हवन पूजन भी संपन्न करवा सकते हैं और उनके माध्यम से पूजन पाठ संपन्न करवा सकते हैं। और इसी तरह आप जो है प्रतिदिन व्रत रखें और एक समय फलाहार करके या भोजन करके एक समय आप व्रत रख सकते हैं और निरंतर आप हवन वाले दिन तक आपको व्रत रखना चाहिए। और हवन के बाद जो भोग लगाया जाता है, जो कन्या भोजन के लिए भोग लगाया जाता है, वो भोग माता रानी को भोग लगाएं और कन्याओं को भोजन कराएं, उसके बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करके अपने व्रत का पारणा कर लेवे। कुछ भक्तजन अपने घरों में कुल देवी की पूजा करते हैं, यानी अष्टमी की उनके घरों में पूजा होती है, तो इस बार अष्टमी की जो कुल देवी की पूजा होगी वो 13 अक्टूबर 2021 बुधवार के दिन होगी। अष्टमी तो वैसे एक दिन पहले से ही यानी 12 अक्टूबर से ही आरंभ हो जाएगी, रात्रि से आरंभ हो जाएगी, क्योंकि 13 अक्टूबर की रात तक अष्टमी तिथि रहेगी, इसलिए सूर्योदय व्यापिनी तथा रात्रि व्यापिनी अष्टमी 13 अक्टूबर को ही है। इसीलिए 13 अक्टूबर को ही अष्टमी का यानी कुल देवी का विशेष पूजन अर्चन सभी भक्तजनों को करना चाहिए। जिनके घरों में सप्तमी का पूजन होता है उनको 12 अक्टूबर 2021 मंगलवार के दिन सप्तमी का पूजन अर्चन करना चाहिए। और जिन घरों में जिन परिवारों में नवमी का पूजन अर्चन होता है उनको 14 अक्टूबर 2021 गुरुवार के दिन दुर्गा नवमी का पूजन अर्चन संपन्न करना चाहिए। और इसके बाद 15 अक्टूबर 2021 शुक्रवार के दिन विजयादशमी का महापर्व रहेगा। इस दिन विजय मुहूर्त इसे कहा जाता है। विजयादशमी स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है। यदि कोई भी नया या शुभ या बड़ा काम यदि आप शुरू करना चाहते हैं तो आपको विजयादशमी के दिन करना चाहिए। इसे अबूज मुहूर्त या अक्षय मुहूर्त के रूप में माना जाता है। वैसे तो नवरात्रि के प्रत्येक दिन सिद्धिदायक माने जाते हैं, लेकिन विजयादशमी अपने आप में ही सर्वोत्तम सिद्धिदायक दिन माना गया है। तो आप इस तरह से माता रानी की पूजा करें, आराधना करें, उनकी सेवा करें, निश्चय ही आपकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण हो सकेगी। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, अगर आप हमारे माध्यम से नवरात्र के दौरान कोई भी पूजन अर्चन संपन्न करवाना चाहते हैं, श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना चाहते हैं या कोई भी मंत्र जाप अनुष्ठान यदि आप हमारे माध्यम से संपन्न करवाना चाहते हैं तो इस हेतु आप अपना नाम तथा गोत्र भेजिएगा और नगद राशि के रूप में हमें आप पेटीएम के माध्यम से भेज सकते हैं, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या फिर अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके शारदीय नवरात्रि का संपूर्ण पुण्यफल आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।